हाय, माय नेम इज चंद्रपाल। आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड आई हैव कम टू फ्रॉम नौमेवत हरियाणा। और मैं यूरेशिया के थ्रू आया हूँ यूक्रेन। जो मेरी कंसेशन मैम है वो मीनू मैम है। यहाँ पे आने से पहले मैं कई लोगों से, कई एजेंटों से मिला हूँ इंडिया में। तो वहाँ पे कुछ लोग सच्चाई नहीं बताते कि ऐसा कुछ है। मैंने कई कॉलेज के बारे में ट्राई किया था तो सब ने अपनी फीस स्ट्रक्चर अलग अलग बताई थी। तो फिर मैं यूरेशिया कंपनी से मैंने बात की। वहाँ पे मेरी मीनू मैम से बात हुई थी और बात होने के बाद मैंने फीस स्ट्रक्चर चेक किया था नेट पे। जो मीनू मैम ने बताया था वही फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इवानो में। और फिर सेकेंड बात ये है कि वो हमेशा आपके साथ 24 आपके साथ अवेलेबल होती है बात करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। वो एक फैमिली तरह खड़े हैं। डॉक्टर मसूर अहमद और मीनू मैम हमेशा आपके साथ में खड़ी हैं। कुछ लोगों ने बोला था कि यूरेशिया कंपनी जो है वो फ्रॉड है। कुछ एजेंडों ने बोला था। पर जब मैं फर्स्ट टाइम मैं यूरेशिया कंपनी गया था मिलने ऑफिस में, तो दिल्ली गया था 12 खंबा रोड। तो मैं वहाँ जाके मीनू मैम से मिला पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सब ऑब्वियसली जैसे होते हैं सब ऐसे हैं, पर फ्रॉड वाला ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल भी। सब झूठ था, सब बकवास है एकदम। मुझे फुल इंसेटिस्फाई करके भेजा वहाँ पे। और अगर देखा जाए तो मैंने खुद ने नेट पर सर्च मारा था कि इवानो के बारे में, इवानो फ्रैंकलिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। वहाँ पर पूरी पढ़ाई 6 साल की है और वहाँ पर जो है 5 साल का MBBS है, 1 साल का इंटर्नशिप है। पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, डेली वेज टेस्ट होते हैं बेसिकली। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये भी है कि पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होने के बावजूद भी वो डेली आप टेस्ट ले रहे हैं। और अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपके एब्सेंट लगने वाली है। तो आपको पढ़ाई तो होगी ही होगी। और वो भी सच है कि मैंने यूरेशिया के से आने से पहले उस टाइम मैंने ये देखा था कि यूरेशिया वाले झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने नेट पर सर्च किया इवानो के बारे में। उसकी MCI टॉप थी और MCA की रैंकिंग काफ़ी टॉप थी और क्रॉक में भी टॉप थी वो। WHO से रजिस्टर थी वो। तो देखा जाए तो अगर जो भी मुझे बात बताई थी दिल्ली में वो सब चीज़ यहाँ पे है। मुझे इंडियन फूड्स यहाँ पे मिल रहा है, इंडियन खाना मुझे यहाँ पे मिल रहा है टाइम टू टाइम। 24 घंटे वाईफाई है, 24 घंटा पानी अवेलेबल है हमारे साथ में। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मसूर सर हमारे साथ में खड़े हैं, मीनू मैम मेरे साथ में खड़ी हैं, सबके साथ में खड़ी वो। और देखा जाए तो इवानो फ्रैंकलिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम सीटें होती हैं जो कि बहुत जल्दी भर जाती हैं। तो जितना जल्दी हो सके इवानो फ्रैंकलिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना एडमिशन करा लीजिए, वरना आप रह सकते हो, आपका 60 साल जो है वेस्ट हो सकता है। पूरे यूक्रेन के अंदर इवानो फ्रैंकलिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप में है। यूरेशिया के बारे में बात की जाए तो यूरेशिया जो है उसके पूरे भारत के अंदर 38 ब्रांचेज हैं पूरे भारत के अंदर। बहुत बड़ी बात है। अगर यूरेशिया फॉरवर्ड कंपनी होती तो 38 ब्रांचेज नहीं होते, समझ सकते ये चीज़ तो आप। तो उसके पूरे भारत के अंदर 38 ब्रांचेस हैं। पर कुछ लोग हैं जो दूसरे एजेंटों के बहकावे में आ जाते हैं, वो भटकाते हैं और हम लोग बहकावे में आ भी जाते हैं तभी लोग हमसे पैसा वगैरह छीन छान के वो चले जाते हैं और किसी और कॉलेज में हमारा एडमिशन करा देते हैं जहाँ हम फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं फंसना चाहिए। आप डायरेक्टर मिलो, यूरेशिया ऑफिस जाओ, दिल्ली 12 खंबा रोड, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अच्छे से तसल्ली से सवाल करो, आपके पूरे सवाल को जवाब मिलेगा आराम से बैठ कर। डॉक्टर मशहूर अहमद है वहाँ पे, और डॉक्टर मशहूर अहमद यहाँ पे है और डॉक्टर महमूद सर वहाँ पे हैं, मीनू मैम वहाँ पे हैं दिल्ली दिल्ली में यूरेशिया ऑफिस में मिलेंगे आपको। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, आप उनसे फुल इंसेटिस्फाई हो गए। तो आप यूरेशिया ऑफिस जाइए और वहाँ पे मिलिए मीनू मैम से और आप जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे पूछिए फुल्ली, वो आपको समझाएंगी। और यूरेशिया ऑफिस जो है 12 खंबा रोड है दिल्ली में है, आप जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप जाके पूछ सकते हो।